अस्सलाम वालेकुम, कैसे हुए? सब ठीक है? अल्लाह ताला सबको खुश रखे अपने जुबान में रखे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल सी डिश लेकर बनाने लगे। रेसिपी हम यमी सी हम बना लेंगे पीनट्स कुकीज़, क्योंकि इसलिए बना रहे हैं रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान में अफ्तारी के बाद थोड़ा सा इधर तो ठंड है हमारे, लेकिन फिर भी दिल चाहता है चाय पिए, तो चाय के साथ भी कुछ खाने को दिल चाहता है। तो हमने सोचा चले आपसे बनाते हैं पीनट्स कुकी, बहुत मज़ेदार सी और ईजी सी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो को मिले और कमेंट्स में लिखा करें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मेरे पास पीनट्स है, इसके ये छिलके उतरे हुए हैं, ये ओरिजिनल है। तो ठीक है, इसको हमने रोस्ट करना है पहले। अगर आपके पास रोस्टेड है तो फिर भी ठीक है, लेकिन इधर सॉल्ट वाली मिल रही थी तो ये प्लेन है। तो अब इसको मैं ये इसमें बेकिंग ट्रे में डाल के तो इसको मैं रोस्ट करती हूँ 15 मिनट के लिए ना, तो 170 पर करके। तो इसको हम पहले रोस्ट कर रहे थे, इसको मैं इसलिए रोस्ट कर रही हूँ कि इससे क्या होगा कि एक जैसी होगी। वैसे तो हम पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो होता है ना कि हीट का ऐसे लगता है कि कहीं से ज़्यादा हो जाती है कहीं से कम, तो इस वजह से हमने इसको जो है ना गोल्डन सा कलर करना है। तो पहले इसको रोस्ट करते हैं, फिर बाकी चीज़ें करते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अलावा इसमें जाएगा ये देखे मेरे पास ये बटर है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया रूम टेम्परेचर पे, वो तो वो भी चलेगा। उसके अलावा शुगर है, ये देखे ये जितना आप बना रहे, अगर आप एक कप सारी चीज़ें लेते हैं तो आपने उसमें अपनी मर्जी से, अगर कम खाते हैं तो 2 टेबल स्पून डाल लें शुगर, और अगर ज्यादा खाते हैं थोड़ी ज्यादा कर दें। उसके अलावा वनीला है, और मैं ब्राउन शुगर यूज कर रही हूँ, आप व्हाइट भी कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस पे है। तो ठीक है, अब ये मेन चीजें हैं। उसके अलावा इसमें जाएगा और पर्पल फ्लोर जो होता है वो जाएगा ये। तो इसका यही है के पीनट्स के हिसाब से आप लेंगे, अगर एक कप पीनट्स है तो आप इसमें हाफ कप से एक कप जो है वो ये ले लें। ठीक है, तो अब ये मेन चीजें हैं। ठीक है, अब वो रोस्ट होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर आगे क्या करना। तो व्यूअर्स, ये शुगर जो है ना, शुगर पाउडर ले लें। तो ये थोड़ी सी मेरे पास, इतनी ज्यादा मोटी नहीं है लेकिन थोड़ी सी है, तो इसको मैं पाउडर बनाती हूँ इसका। ठीक है, तो व्यूअर्स ये देखिए ये इस तरह से हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा कूल डाउन करते हैं, तो फिर इसको मैं ना इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ठीक है, फिर ये बटर हम इसमें डालते हैं और शुगर डाल के ना इसको थोड़ा सा जो है ना हम ब्लेंड करते हैं। ठीक है, हाथ से ही कर लेंगे शुगर और बटर को। ठीक है, अच्छे से ये देखिए, ये बटर और शुगर हमारी, क्योंकि ब्राउन लिए मैंने तो, और ये हमारा पीनट्स जो हमने किया है ना, ये उसका पाउडर है, ये पाउडर तो नहीं, मतलब इस तरह से उसका हो गया है। तो अब हम इसको जो है ना वो मिक्स करते हैं। फिर एक एग में इसमें ऐड कर रही हूँ, उसमें रख दो। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये हमारे एग और बटर और शुगर, इसको हमने कर लिया। अब हम इसमें जो है ना अपनी ये जो पीनट्स की है इसको हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको मिक्स करते हैं। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला डाल रही हूँ। ठीक है, और साथ ही हम अपना ये फ्लोर जो है ना नॉर्मल सा इसको आराम आराम से हम करेंगे, अगर और फील होगा तो, क्योंकि थिक बनानी है ना हमने इसकी दो, तो अब ये चेक कर लेते हैं इसको मिक्स करके आराम आराम से। तो अभी उस ये देखें, ये हमारी अच्छे से ये बन गई है, ये इस तरह सी बनेगी डो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी कुकीज़ को जो है ना वो अपनी मुख्तलिफ शेप, जैसे आप चाहते हैं उस तरह से आप उसको शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको बता, तो व्यूअर्स मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ बनाना, तो इस वजह से मैं आपको हाथ से ये देखे बना रही हूँ, ताकि ना इजी से हर बंदा जो है ना वो इजी तरीके से इसको हम कर लेता है। ये इस तरह से करके ये देखे, और मैं इसमें पीनट्स लगा रही हूँ, आप चाहें तो ना लगाएं, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये आप ट्रे में रखते जाते हैं। तो व्यूअर्स अब ये देखे, ये हमारी बन गई, अब मैं इसको 170 उस पर रखूंगी और 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, मैं बेक कर रही हूँ ओवन में, आप चाहें तो, अगर पैन में रखना चाहें तो उसमें 20 मिनट्स लगा कर सकते हैं। ठीक है, तो चले अब इसको करते हैं बेक 175। तो व्यूअर्स ये हो गया हमारा 15 मिनट्स। तो ये देखे, ये इस तरह से हो गई, ये देखे इस तरह से होनी चाहिए बिल्कुल। अभी थोड़ी सी खस्ता है क्योंकि हॉट है, तो इसको थोड़ा सा कूल करते हैं, फिर मैं उसके बाद बाकी फिर बताती हूँ। सीधा रखो कैमरा। तो ओके व्यूअर्स, ये देखें, ये मज़ेदार सी हमारी बन गई पीनट्स कुकी, बहुत अच्छी सी। तो अब हम रमज़ान में इसको खा सकते हैं, और आप लोग भी खा सकते हैं, किसी भी जार के अंदर डाल के इसको रख लें और महीना आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चले फिर आप,
तो ओके व्यूअर्स, ये बन गई हमारी मज़ेदार सी पीनट्स कुकीज़। तो चले हमने तो बना लिया, अब आपको देखे मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया है इसका सारा। तो चले आप भी आप ज़रूर ट्राई करना, रमज़ान में बनाएं जैसे मर्जी बनाएं। तो चले फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जाने से पहले वही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल जरूर प्रेस किया करें और वीडियो देखा भी करें। तो प्लीज़ कमेंट्स में भी अच्छा अच्छा लिखा करें, वैसे तो अच्छे ही लिखते हैं शुक्र अल्लाह का, लेकिन ये है कि देखा करें वीडियो। तो चले फिर मिलते हैं, बाय बाय।